भाई छिपकली किसे पसंद होती है? मुझे तो छिपकली बिल्कुल पसंद है। अगर किसी एक रूम में छिपकली और गलती से मैं वहां पर हो गई तो मैं तुरंत वहां से निकल जाती। लेकिन दोस्तों आज की ये वीडियो छिपकली के ऊपर है। जी हाँ, वही छिपकली जिससे हम सभी काफी डरते हैं। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि छिपकली का घर पे बार बार आना, छिपकली का दिखना या छिपकली का हमारे शरीर के किसी अंग पर गिरना शुभ होता है या अशुभ होता है? बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही सारी बातें जानने वाले हैं। क्या आपको ये बात पता है कि दिवाली की रात को छिपकली का दिखना काफी शुभ माना जाता है? और अगर आपको भी दिवाली के दिन छिपकली दिखी होगी तो मतलब आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। शास्त्रों के हिसाब से छिपकली को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। जब छिपकली घर पर आती है तो कुछ संकेत लेकर आती है। उनमें से कुछ संकेत शुभ भी माने जाते हैं, जिसकी वजह से धन की प्राप्ति होती है, और कुछ संकेत अशुभ माने जाते हैं, जिसकी वजह से हानि होने का भी डर होता है। अगर छिपकली घर के मंदिर के आसपास या मंदिर के ऊपर दिखती है तो ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। और अगर हम कहीं यात्रा पर निकल रहे हो और अचानक अगर हमें छिपकली दिख गई, मतलब आपकी यात्रा सफल होने वाली है। इंटरव्यू के समय निकलते टाइम अगर आपको छिपकली दिख जाए, मतलब आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल होने वाला है, आपकी जॉब पक्की मानकर चले। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप यात्रा पर निकल रहे हो और आपको अगर मरी हुई छिपकली दरवाजे पर दिख जाए या द्वार पर दिख जाए या निकलते टाइम आपको दिख जाए, मतलब वो यात्रा आपकी सफल नहीं होने वाली, कुछ न कुछ अनहोनी होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। अगर आप छिपकली को आपस में लड़ते हुए देख रहे हैं, मतलब ये आपको कुछ अशुभ संकेत दे रही है। और अगर आपको कभी छिपकली का जोड़ा दिख गया आपस में, मतलब आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है या आप किसी ऐसे पर्सन से मिलने वाले हैं जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हैं। अगर आप छिपकली को शिकार करते हुए देख रहे हैं या कभी कीड़े मकोड़े खाते हुए देख रहे हैं तो ये एक अशुभ संकेत हो सकता है आप। और अगर कभी आपने सपने में छिपकली को झगड़ते हुए देखा है या छिपकली को मारते हुए देखा है या छिपकली को रेंगते हुए देखा है तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा अशुभ संकेत हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर अगर छिपकली आपसे डर रही है या छिपकली को आपने डरते हुए देखा है आपसे, तो ये आपके लिए एक शुभ संकेत हो सकता है। अगर आपको छिपकली की आवाज सुनाई दे रही है तो खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपको बहुत ही जल्द धन का लाभ मिलने वाला है। और अगर आपके पास छिपकली गिर जाए तो आपकी जो भी बला है वो बहुत जल्द टलने वाली है और आपका रुका हुआ पैसा वापस आने वाला है। दोस्तों ये थी छिपकली के बारे में कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद हम नहीं जानते थे। तो वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा, और वीडियो को उन सभी लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको छिपकली से डर लगता हो या जिनको छिपकली के बारे में ये रोचक बातें नहीं पता। तो मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।